अक्सर अपने बयानों से बिहार की सियासत को गर्म करने वाले गया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर एक ऐसा ही बयान दिया है जिसकी अभी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि चिराग साहब बिहार के भविष्य हैं। दरअसल बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के चाकन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वहां लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान भी मौजूद थे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उनके ऊपर ही सवाल उठाए और चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बता दिया। सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग साहब बिहार के भविष्य हैं। केंद्र में जाकर हम लोग परिस्थितियां बनाएंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब बने। मांझी ने कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर और बिहार के भविष्य को देखते हुए एनडीए के पक्ष में वोट कीजिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अब की बार 400 के पार का नारा पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। बिहार की सभी 40 सीटें देने का वादा उनसे हम लोगों ने किया है। इसे लेकर हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इस दौरान मांझी ने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। एनडीए ने पूर्व मुख्यमंत्री से हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को गया संसदीय सीट से अपना साझा प्रत्याशी बनाया है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और चुनावी सभा, रोड शो और घूम घूम कर नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। शुक्रवार को जीतन राम मांझी की चुनावी सभा में लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मांझी के साथ मंच साझा किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।